हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम उपटन लगा के न्यूबॉर्न बेबीज़ के स्किन में जो हेयर है उसको हम निकाल सकते हैं। सो आप देखेंगे, न्यूबॉर्न बेबीज़ जब बॉर्न होते हैं तो उन्हें काफ़ी बॉडी हेयर होता है। कई बच्चों को बॉडी हेयर नहीं भी होता है, बट काफ़ी बच्चों को बॉडी हेयर होता है, स्पेशली हैंड्स में, लेग्स में, बैक एरिया में, फेस में। तो ये सारे एरियाज़ में बच्चों को बॉडी हेयर होता है। एंड अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये हेयर नेचुरली निकल जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट उपटन लगा के हम इस प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको आपके बच्चे की स्किन क्लियर चाहिए बहुत जल्द, तो आप उपटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कैसे आप उपटन लगा के बच्चों की स्किन के जो हेयर है उसे आप जल्दी निकाल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आपको दिखाते हैं कैसे ये उपटन बनाते हैं। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई न्यू वीडियो पोस्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोई बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा मिल्क, हल्दी, हमने यहाँ अम्बा हल्द यूज़ किया, आप कोई भी हल्दी यूज़ कर सकते हैं, होममेड मलाई, अगेन कोई भी मलाई आप यूज़ कर सकते हो। फिर हमें चाहिए ऑयल, हमने यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप जो ऑयल आपके बेबी की स्किन के लिए सूटेबल है वो वाला ऑयल यूज़ करें। चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे आटा एंड उसे हम इस कंटेनर में डालेंगे। हमने यहाँ पे 3-4 टेबलस्पून ऑफ आटा लिया है, आप उतना आटा लीजिए जितना आपको लग रहा है सफिशेंट है आपके बेबी के पूरी बॉडी को कवर करने के लिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, सारा मिल्क एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे ऐड करना है, जैसे आपको कंसिस्टेंसी पता चल रहेगी उतना मिल्क वापस ऐड करना है एंड इसे मिक्स करते जाना है आपको। फिर हमें ऐड करना है हल्दी, हमने यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून ऑफ हल्दी डाल दिया है। फिर इसमें हम मिलाएंगे 1 टेबलस्पून ऑफ मलाई, आप कोई भी मलाई यूज़ कर सकते हो, फ्रेश या आपके घर में अगर आपने स्टोर करके रखा है वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर हमने लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, अगेन सारा ऑयल नहीं डालना है, डिपेंडिंग ऑन द कंसिस्टेंसी आपको जितना उसे सॉफ्ट करना है उतना ऑयल आपको ऐड करना है। अगर आपको इसे और सॉफ्ट करना है तो आप और ऑयल ऐड कर सकते हो, बट मुझे जितना कंसिस्टेंसी चाहिए था उतना ऑयल मैंने यहाँ ऐड किया है। एंड इस सारे मिक्सचर को मैं धीरे धीरे अपने हाथों से मिक्स कर रही हूँ, आप स्पून का भी यूज़ ले सकते हो, बट हाथों से इससे अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे अपने दोनों हाथों का यूज़ लेके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ जब तक मुझे डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाती है। तो हमारी लोई पूरी रेडी हो गई है, आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट लोई बनी है ये, एंड आप इसे अपने हैंड्स पे लगा के चेक भी कर सकते हो ये सॉफ्ट हुई है कि नहीं। आप देख सकते हो कोई भी बैटर पीछे नहीं छूट रहा है, विच मीन्स बेबी के स्किन पे ये नहीं चिपकेगी एंड बहुत ही ईजिली आप इसे रब कर सकते हो बेबी के स्किन को विदाउट हर्टिंग द बेबी। अब मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी ताकि मैं फेस एंड बॉडी को अलग अलग लोई लगा के स्क्रब कर सकती हूँ। सो आपको इस तरीके से लोई अपने बेबी के स्किन पे लगानी है जहाँ पे भी बेबी को बॉडी हेयर है, एंड आपको इसे ऑयल में डिप करके फिर लगाना है ताकि कि बेबी को फ्रिक्शन से कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं हो, उसे हर्ट ना कर जाए, इसीलिए आपको इस चीज़ का ज़रूरी ध्यान देना है। एंड अच्छे से आपको इसे स्क्रब करना है बेबी के वो एरियाज़ पे, वो पार्ट्स पे जहाँ पे बेबी को बॉडी हेयर है। आप देख सकते हो बिकॉज लोई इतनी सॉफ्ट है बेबी को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है एंड बेबी इसे अच्छे से इन्जॉय भी करता है, एक काइंड ऑफ मालिश भी हो जाती है इसमें, क्योंकि बेबी के सारे एरियाज़ में एक प्रेशर क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ दिस स्क्रबिंग, विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर द बेबीज बोन्स। सो ये सिंपल रेसिपी से आप लोई बना सकते हैं। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है टू मेक इट ऑन अ डेली बेसिस, आप दूसरे तरीके से भी लोई बना सकते हैं। यहाँ पे ये सिंपल आटा मैंने लिया है जो हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं, सेम वही आटे में मैं यहाँ पे ऑयल मिक्स कर रही हूँ एंड इस लोई को मैं इस ऑयल में डिप करूँगी एंड फिर इसे लगाऊँगी सेम उसी तरीके से अपने बच्चे के स्किन पे
एंड उसे अच्छी तरीके से रब करूँगी जहाँ पे भी मुझे लग रहा है मेरी बेबी को बॉडी हेयर है। अगर आपको पहली वाली लोई की रेसिपी डिफ़िकल्ट लग रही बनाने में, तो आप ये सिंपल रोटी के आटे की लोई बना के भी अपने बच्चे के स्किन में लगा सकते हो एंड इससे भी बच्चे के सारे बॉडी हेयर निकल जाते हैं। एंड क्योंकि हम इसे ऑयल में डिप करके बच्चे के स्किन में रब कर रहे हैं, इसीलिए बच्चे को भी कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता, उसे हर्ट नहीं होता एंड अच्छे से बच्चे के बॉडी हेयर निकल जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसे बनाना भी डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि रोटी फलका ये सब इंडियन फैमिलीज़ में रोज़ बनता ही है, तो आपको इसको अलग से बनाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब भी आप बना रहे हैं तो थोड़ी सी लोई आप निकाल के साइड में रख सकते हैं एंड अपने बच्चे को डेली बेसिस पे ये आटे की लोई बना के लगा सकते हैं एंड आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चे के सारे बॉडी हेयर निकल जाएंगे एंड आपके बच्चे की स्किन भी जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है बिकॉज हम इसमें ऑयल लगा रहे हैं। सो ऑयल बच्चे के स्किन में अच्छे से पेनेट्रेट हो जाती है एंड साथ ही साथ उसकी एक मालिश भी हो रही है जो बच्चे के बोन्स के लिए एंड ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखने जाएंगे तो लोई के बहुत फ़ायदे हो रहे हैं, तो ये इतनी सी मेहनत तो हम रोज़ कर ही सकते हैं अपने बच्चे के लिए, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा एंड कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये मेथड कैसा लगा। एंड अगर आप इसके अलावा कोई और मेथड यूज़ कर रहे हैं बच्चे के बॉडी हेयर निकालने के लिए, तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो देखा आपने कैसे ये उपटन बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं घर पे एंड जैसे जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे आप देखेंगे आपके बच्चे के स्किन के जो हेयर हैं वो धीरे धीरे सारे निकल जाएंगे एंड आपकी बेबी की स्किन पूरी क्लियर हो जाएगी एंड आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि बेबी को कोई भी बॉडी हेयर नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई न्यू वीडियो पोस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे बहुत सारे वीडियोज़ के साथ।